पेपर किस चीज़ का पेपर था? मैं 11th आर्ट्स था। अच्छा 11th आर्ट्स का, मतलब दोनों एक साथ हो रहा था? नहीं नहीं, वो दोनों अलग अलग है। कॉमर्स का 2 बजे से। 2 बजे से पेपर है। अच्छा 11th आर्ट्स में ये बताइए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो कि हमारे जनरल नॉलेज से पूछी जाती है और 10th क्लास की NCERT बुक से पूछी जाती है। SST वगैरह से जी। अच्छा इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश वगैरह वही पूछी जाती है, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है इसमें। तो आपने टोटल कितने सॉल्व किए? मैंने पूरा 100 किए, मतलब 100 में शायद 90 सही हो शायद। कौन सा वाला सेक्शन ना आपको लगा बहुत टफ है? सब सेक्शन तो एक ही रहता है, बट ये क्वेश्चन इधर उधर रहता है, मुझे सब सही लगा जी। इजी, सबसे इजी की हार्ड लो लेवल क्वेश्चन पूछा हुआ था जी। जी बेसिक, सब बेसिक था। कोई सजेशन देना चाहेंगे जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? नहीं नहीं, सब सब अपने आप के लिए सही है, बेसिक वेसिक तैयारी करें, अपने आप से तैयारी करें। जामिया में एडमिशन क्यों चाहते हैं? मैं जामिया में एडमिशन ये चले जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हमारे यहाँ हमारे लोग यहाँ पढ़ते हैं और सब यहाँ पर रहते हैं जी। और भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर भीड़ दिख रहा होगा किस तरीके से बच्चे एक एक करके निकल रहे हैं। अभी 11th आर्ट्स का पेपर था, कई सारे लोगों का ऐसा मानना था कि 11th कॉमर्स साथ में हो रहा है, तो वैसा कुछ नहीं था। 11th आर्ट्स का पेपर अभी हुआ है, अभी बच्चे आ रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर। इनका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम हॉल में? 2 घंटे में ये किन चीज़ों पर फोकस किया गया हुआ था एग्ज़ाम हॉल में, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी तो एक प्रॉपर रिव्यू जो है उससे आपको आइडिया लग गया होगा। और भी बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन पैटर्न वगैरह सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे हिसाब से क्वेश्चन का जो जिस हिसाब से लोगों का है कि क्वेश्चन जो है मतलब नॉर्मल था, जिस तरीके से हर साल बनते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन बने हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी कुछ प्रॉपर वे में जो है आपको पता चल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी लोग आने देते हैं लोगों को, फिर उसके बाद हमें आइडिया लग पाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हुए थे। चलिए अभी और भी बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा गया पेपर? अभी लोग जो है ना मतलब आपस, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा, कितना सॉल्व किया? पूरा सॉल्व कर दिया। सबसे इजी कौन सा लगा? सबसे इजी सोशल साइंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे टफ इंग्लिश में थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो आपने टोटल सॉल्व किए जी, कितने आ जाएंगे? आ जाएंगे 90+ आ जाएंगे। सिलेक्शन हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा। और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो कैसा गया पेपर आपका? लेकिन वो उधर से चले गए। चलिए ठीक है, अभी आने देते हैं लोगों को और बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है इनका, सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल कोई प्रॉपर वे में जो है एक रिव्यू जो है वो मिल जाए, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं, उसके बाद दूसरी जो वीडियो बन रही है तो उसको हम अपलोड करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा भी कुछ प्रॉपर मिला नहीं, जिसकी वजह से वीडियो को बंद कर दिया जाए। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा। अच्छा गया। कितना सॉल्व किया आपने? पूरा सॉल्व कर दिया। सबसे इजी वाला पोर्शन कौन सा था? इजी वाला ज़्यादा सोशल साइंस और जनरल नॉलेज। कहाँ से पढ़ाई किया था, कौन सा बुक लिया था, कोई बुक वगैरह? गाइड, जामिया मिल्लिया इस्लामिया गाइड। कितने दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर दी? बस अभी 1 महीने पहले। अच्छा ये बताइए कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंग्लिश, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज। क्वेश्चन इस बार का टफ बना था? नहीं, इजी बना हुआ था। अच्छा कोई मैसेज, कोई सजेशन देना चाहेंगे जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? मतलब जो लोग तैयारी करेंगे उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें कहाँ से पढ़ना है? NCERT बुक से ही तैयारी करें, वहीं से आते हैं क्वेश्चन। NCERT आपने फॉलो किया था? यस। वहाँ से कितने क्वेश्चन रहे होंगे लगभग? सारे शायद उससे। चलिए मैं आशा करता हूँ अगर तो आपका सिलेक्शन हो जाए। और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि उनका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जो है मेरे हिसाब से 2 रिव्यू ऐसे मिले हैं जिससे आपका काम हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न था, किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए थे। सभी लोगों का जो है लगभग अगर देखा जाए तो सबका एक ही रिप्लाई है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हुए थे जो कि NCERT से पूछे जाते हैं। और जामिया अगर 11th साइंस 11th आर्ट्स कॉमर्स की बात की जाए तो लगभग जो है NCERT को ही फॉलो किया जाता है, उसमें उसी चीज़ को इस बार भी बच्चे कह रहे हैं, वैसा कुछ टफ पैटर्न वगैरह था नहीं। कैसा गया पेपर आपका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कितना सॉल्व किया आपने? पूरा किया। पूरा कर दिया। और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उनका पेपर क्या गया। देखिए यहाँ पे भीड़ रहेगा अच्छा खासा, जामिया स्कूलिंग का पेपर जब भी होता है तो भीड़ आना लाजमी है, तो भीड़ आपको दिख रहा होगा। तो ये भीड़ में जो है अच्छे खासे लोग छट जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो कट ऑफ जाती है वो लगभग 90+ चली जाती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि सबके सब 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे होते हैं। भले ही निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधे तुक्केबाजी करके आ रहे होते हैं, इसलिए आपका कंपटीशन जो है थोड़ा डाउन हो जाता है इसकी वजह से। तो ये भीड़ जो है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किस्मत आजमाने के लिए जो है लोग ट्राई कर रहे होते हैं। ये भीड़ जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सारी चीज़ें जो हैं बच्चे पेपर देकर जो आए हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, देखते हैं
उनका एक्सपीरियंस क्या है। हमारे हिसाब से जो है मतलब पेपर जो है फॉर्मेट नॉर्मल था, वैसे मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में जो है आपको सोल्यूशन मिल जाए। पेपर देखा आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, नहीं देखा है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। लेकिन प्रॉपर में अभी देखते हैं, गेट नंबर 7 और 8 पर भी पेपर चल रहा था, वहाँ पर भी उसी तरीके से भीड़ होगा। और संडे है प्रॉपर, तो पेपर में अच्छे खासे भीड़ रहेंगे, तभी जामिया ने उस तरीके से अरेंज किया होगा आपको कि ताकि दोनों जगह पे जो है भीड़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी देखते हैं, थोड़ा सा और एक दो लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, एक दो लोगों का रिव्यू लेते हैं और जानते हैं उनका जो है किस तरीके से जो है एग्ज़ाम गया है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेपर अच्छा भी नहीं जाता, वो प्रॉपर तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी पेपर अच्छा नहीं जाता, जिसकी वजह से वो बात नहीं करना चाहते हैं। वैसे 4-5 लोगों ने तो बात किया है प्रॉपर वे में, तो उनसे अपना काम हो जाना चाहिए। वैसे 4-5 लोगों का रिव्यू देखिए, बाकी जो प्रॉपर वहाँ पर रिव्यू हो रहा होगा वो सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए देखते हैं हम लोग अभी क्या है कि क्वेश्चन जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है, करंट अफेयर से रिलेटेड है या जी के जी एस जो है आपका इंग्लिश से किस तरीके से जो टॉप की थी था, वो सारी चीज़ें पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रॉपर वे में जो है 4 लोगों का रिव्यू मिला है, उसमें से मैं अभी सेटिस्फाई नहीं, एक किसी और का जो अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए चीज़ों को कि कौन कौन सा सेक्शन होता है। कोई प्रॉपर वे में अगर तैयारी किया होगा तभी जाके वो डिस्क्राइब कर पाएगा, उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग आ रहे हैं जिसको हम लोग देखते हैं कि जितने लोग आ रहे हैं उसमें देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पेपर दे के नहीं आते लेकिन उनको बात करना होता है, तो फिर एक तरीके से जो है डमी रिव्यू हो जाएगा, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। खैर अभी देखते हैं, जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं उनसे एक प्रॉपर वे में जो है बात कर लिया जाए तो सही होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है भीड़ आप गेट के और करीब आ गए, यहाँ से आपको भीड़ दिख रहा होगा, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वैसे क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो पूरे स्टूडेंट नहीं होते हैं, पहली बात, बहुत सारे पेरेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो आपको इसमें ये भीड़ देख के ये नहीं होना है कि पूरे लोग पेपर देने आए हुए हैं, एक पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट्स, तीन पेरेंट्स होते हैं, कई बार जो है 4-5 लोग साथ में होते हैं, तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि जो इतनी भीड़ है वो सबके सब पेपर देने आए हुए हैं। नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है स्कूलिंग में, वो सारी चीज़ें जो है आपको अभी जामिया के वेबसाइट, जामिया का जो ऑफिशियली सोशल मीडिया साइट्स है वहाँ पर अपडेट किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर्स ऑफ फॉर्म आ रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए कि कितने कट ऑफ वगैरह जो है जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ जो है क्वेश्चन का पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसा गया पेपर? सही गया। क्या क्या पूछा जाता है? SST, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ये सब आपने कहाँ से पढ़ाई किया था? कॉन्सेप्टम बुक से। अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है? सही, सबसे 15 सोशल साइंस सबसे ज़्यादा। तो आपने सोशल साइंस कॉन्सेप्टम से पढ़ा था या NCERT बुक से लिया था? कॉन्सेप्टम बुक से पढ़े थे, बोर्ड्स में प्रिपरेशन था ही। कितने दिन पहले से तैयारी करना शुरू किया? वन मंथ पहले से। जब फॉर्म निकलता है तभी से। अच्छा, अभी जो पेपर दे के आ रहे हैं उसमें सबसे ईजी आपको कौन सा लगा? हमको तो इंग्लिश ईजी था बहुत, SST थोड़ा कुछ क्वेश्चन टफ था, कुछ ईजी था। अच्छा, सबसे टफ बोल चारों से हिस्ट्री का लग रहा था क्वेश्चन वाला सेक्शन लगा। अच्छा ओके। चलिए ठीक है, इनको भी जल्दी है जाना था। खैर कोई नहीं, अब बच्चे जो है लगभग ख़त्म हो गए हुए, तो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं और प्रॉपर रिव्यू जो है आपको कुछ देर के बाद में जो है चैनल पे मिल जाएगा, जो कि अंदर में किया जा रहा था। तो बच्चे जो भी रहे होंगे अच्छे तरीके से बात किया होगा और अच्छा जो है एक तरीके से रिव्यू आप ये कह सकते हैं कि ये काम चलाने के लायक जो आपका रिव्यू हो जाता है कि हाँ ठीक है क्या पैटर्न किया, कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं हुए हैं, जिसके लिए सही होता है। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे अपना। फिलहाल जो है दूसरी वीडियो को आप लोग वेट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप 11th Science 11th एंट्रेंस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार चैनल का डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।